हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि पूर्वजों की संपत्ति जो अपने नाम करवाना चाहते हैं उसका कानूनी नियम और कानूनी दस्तावेज यानी कि कागजात डॉक्यूमेंट क्या है। तो पहले कुछ अलग था, अब कुछ अलग है। तो कितना डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, करीब करीब 9 या 10 आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और कुछ कानूनी नियम है उसको जान लेते हैं। उसको जानने से पहले आपसे हम बता दें कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि पूर्वजों की संपत्ति अगर आप अपना नाम कराना चाहते हैं तो उसका भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 जानते हैं, कह रहा है कि कानूनी नियम। तो कानूनी नियम में आपको कह रहा है कि सबसे पहले पूर्वजों की संपत्ति अगर आप अपने नाम कराना चाहते हैं तो पूर्वज आपका मरा हुआ घोषित होना चाहिए यानी कि मृत होना चाहिए। अगर जिंदा है, जिंदा है तो आप उसका संपत्ति अपने नाम से नहीं करा सकते हैं, यानी कि कचहरी आपको, रजिस्ट्रार आपको मान्य नहीं देगा। तो उसका कभी भी कोई भी अगर जमीन रजिस्ट्री अपने नाम करवाते हैं, कोई संपत्ति अपने नाम कराते हैं जो पैतृक है, खानदानी है, पुश्तैनी है, तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का मृत घोषित साबित करना होगा, या आपका दादा हो या पिताजी हो, ये आपका है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आपके जमीन मालिक यानी कि जो पिताजी हैं या दादाजी हैं अगर स्वस्थ हैं, बीमार हैं, फिर भी चल रहे हैं, बैठ कर मतलब देख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, और उनके बगावत के रूप में अगर रजिस्ट्री आप करवाते हैं तो वो भी आपका अमान्य हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कागजात डॉक्यूमेंट जो लगेगा कितना लगेगा और कौन कौन लगेगा, कौन कौन जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कानूनी दस्तावेज। तो कानूनी दस्तावेज में आपको सबसे पहले लगेगा कि वसीयतनामा, वसीयतनामा आपको बनवाना पड़ेगा। सेकंड नंबर में कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको ब्लॉक के थ्रू बनेगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, उसका जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। 3 नंबर में कह रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र। निवास के मतलब होता है रेसिडेंशियल, आप कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस मौजा में रहते हैं, किस पंचायत में रहते हैं, उसका प्रमाण पत्र देना होगा। 4 में कह रहे हैं कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। आप उन जमीन का, उन जो मृत व्यक्ति हैं उनका आप कौन है, बेटे हैं या पोते हैं, या क्या किस रूप में उत्तराधिकारी हो रहे हैं, उनका संपत्ति का मालिक हो रहा है, वो प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। 5 नंबर में कह रहे हैं कि वंशावली प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि वंशावली खंडित बंटवारा बनवाना होगा कि आप किनके बेटे थे, किनके पोते हैं, कितने आपके भाई हैं, कितने आपके बहन है, ये सारा आपको डिटेल इस वंशावली प्रमाण पत्र में देना होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि पिता या दादा के मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि आप दादाजी का संपत्ति ले रहे हैं या पिताजी का ले रहे हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट आपको बनवा करके उसमें लगाना पड़ेगा। 7 नंबर में कह रहे हैं कि शपथ पत्र के साथ अन्य उत्तराधिकारियों का भी प्रमाण देना होगा। ये आपको शपथ पत्र पर देना होगा कि आप उनका वारिस अकेले है या आपका कोई भाई है या चाचा का लड़का है या आपके पिताजी कितने भाई हैं, पूरा डिटेल्स आपको उसमें देना होगा कि आप स्पेशल हैं या और कोई भाई आपके साथ में है। 8 नंबर में कह रहा है कि आवेदन पत्र देना होगा, यानी कि उसका जो फॉर्म आएगा इसको भरने के लिए, वो आपको फॉर्म के साथ भरना होगा। उसके बाद कह रहा है कि संपत्ति का नक्शा, यानी कि जो जमीन आप अपने नाम करवाना चाहते हैं उसका नक्शा होता है, उस नक्शा का रिपोर्ट आपको एक फोटो स्टेट लगा करके उसमें आपको लगा देना होगा। तब जा करके इतना दस्तावेज आपको जब कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब जा करके कोर्ट या कचहरी या रजिस्ट्रार आपके नाम पर संपत्ति कर देगा। तो दोनों कंडीशन जब तक ले पूरा नहीं कीजिएगा तब तक ले आपके नाम पर पूर्वजों की संपत्ति नहीं होगी। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ समझ मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।